नमस्ते। मैं अभी अभी इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया हूँ। ओके, ये नीचे गिरना चाहिए इंडसइंड बैंक। ओके, इसका जो स्टॉप लॉस है, इसका जो स्टॉप लॉस है एक कैंडल के हाई के ऊपर है। ओके, 51.3 पे, 52 पे रखा हूँ मैं। 52 पे मैं इसका स्टॉप लॉस को रखा हूँ एज पर द 1000 रुपीज फंडा। ओके, निफ्टी में वही चीज़ है, जो गैप अप खुल के इट हैज ब्रोकन द सपोर्ट। ओके, ये जो सपोर्ट है इसको इसने ब्रेक किया है, देयर शुड बी अ फ्री फॉल। ओके, लेट्स सी टिल वेयर इट कैन कम। इट्स अ बुलिश स्टॉक, लाइक सेल ऑफ आना चाहिए। देखेंगे एक किधर तक आ सकता है, किधर तक गिर सकता है देखेंगे। ओके, एमएनए में ही ये लेवल से शॉर्ट हो सकता है। इधर क्या है? ओके, ये लेवल को शॉर्ट करके इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडसइंड बैंक गिरना चाहिए, गिरेगा श्रीराम फाइनेंस। हाँ, मतलब देखो ये लेवल के ऊपर खुल के ऊपर जाने का कोशिश किया ना, इसको तोड़ दिया लोगों को, लोगों को नहीं तोड़ना चाहिए था, इधर से ये शॉर्ट है। ओके, निफ्टी भी आराम से नीचे गिरना चाहिए, नीचे आ जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, इंडसइंड बैंक पर नीचे गिरावट आना चाहिए। इंडसइंड बैंक में एक क्वार्टरली का लेवल है, वो लेवल को मैं शॉर्ट करने का, देखो इसमें क्या हुआ है, इंडसइंड बैंक अगर आप देखते हो तो इसने हायर हाइक कर चुका है, लेकिन इसने जो सपोर्ट को तोड़ चुका है, राइट। अगर मान लो ये लो तोड़ चुका ना, मतलब कल का लो अगर तोड़ा, हाँ, तो इसमें एक बड़ा सा नीचे का साइड में मोमेंट आ सकता है। कौन सा लेवल तक, अगर हम वन डे में देखते हैं, इफ यू कुड सी हियर जनवरी फरवरी मार्च का जो लो है, ओके, ये जोन में, ये जोन तक आना चाहिए। ओके, क्या है, 22 तक एक बड़ा सा एक ये है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, ये लेवल तक आना चाहिए, ये 1422 उसको मैं टारगेट मान के चलता हूँ। ओके, देखेंगे कैसे है बिहेव करेगा। ओके, इसका मतलब किधर एंट्री किया हमने, मैं 5 मिनट्स में नहीं मिल रहा था। 5 मिनट्स में क्या है, जब ये लो टूटेगा तब हम कर सकते हैं 5 मिनट्स में, अगर नहीं है तो मैं क्या किया, अगर आप देखते हो देयर इज अ सपोर्ट हियर, राइट। ये सपोर्ट को इसने तोड़ा है विद वॉल्यूम, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है, कोई कारण से इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज द रीजन आई हैव केप्ट अ स्टॉप लॉस देयर, सो इट शुड बी फॉलिंग। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, सो दिस इज द ट्रेड। ओके, ये टूटना चाहिए, गुड। निफ्टी एक अच्छा खासा सेल ऑफ आना चाहिए। सेल ऑफ क्यों आता है, अगर मेरा वीडियो देखते हो हाइपोथेसिस का, उसमें मैं क्लियर कट समझाया हूँ। ओके, चलो आई विल अपडेट। एमएनएम में ये जो सपोर्ट है इधर से गिर जाएगा, ये बड़ा स्टॉप लॉस है। ओके, मतलब कितना है, 67.7 ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, नहीं करना है। ओके, तो वो कारण से मैं इंडसइंड बैंक को किया, ये गिरेगा। ओके, निफ्टी क्या हुआ है, सपोर्ट को तोड़ चुका है। ओके, देर इज ए फ्री फॉल टूडे, देर इज ए फ्री फॉल, ग्रीन कैंडल आएगा, हमें क्या करना है, हमें गधा बनना है, क्लीन आएगा। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोई हाई के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। ओके, कोई ये मतलब 134 के ऊपर अभी क्लोज नहीं करना चाहिए, शायद नहीं करेगा, ऐसे ही चलना चाहिए। इंडसइंड बैंक इज गुड। व्हाटएवर श्रीराम सीमेंट, ओके, श्रीराम सीमेंट में एक आईफल टावर रिकेगा नीचे टाइप में, नीचे का लेवल पे। ओके, इसके लेवल पे, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था इधर, 20 रुपीज का स्टॉप लॉस में कौन करेगा, 3 मिनट्स में मिल सकता था क्या। नहीं है, कुछ भी है, इस पुट में क्या हुआ है, देखो मैं मॉर्निंग का वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके नीचे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, हाँ, बाद में हाई टूट गया ना, ये मर गया, मतलब नीचे नहीं गिर सकता है, ऊपर ही जाना, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। वो देखो मैं मॉर्निंग में बताया हूँ हाइपोथेसिस का वीडियो। ओके, ऑलराइट, इफ यू कुड सी इन निफ्टी में किधर भी सपोर्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ओके, दिस इज कॉल्ड अनामली, मतलब कैंडल रीडिंग जो करते हैं वो इसमें, यू हैव टू सी द वॉल्यूम, देयर इज नो प्रॉपर कैंडल फॉर्मेशन फॉर अ सपोर्ट। ओके, तो ये लो टूटने वाला ही है। ओके, डेफिनेटली ये लो टूटने चाहिए। क्या हो रहा है भाई,
एक सेलिंग कैंडल आना चाहिए एक्चुअली, मेरा एक्सपेक्टेशन है ये लो टूटना चाहिए, अगर ये लो टूट गया ना एक फ्री फॉल नीचे साइड में आ सकता है। ओके लेट्स सी, मतलब ऐसा ही चल रहा है। ओके एक फ्री फॉल आना चाहिए, अभी क्या है एक फॉलो अप कैंडल डाउन साइड में आना चाहिए। ओके अभी तक तो सपोर्ट नहीं है, अगर एक फॉलो अप कैंडल डाउन साइड में आ गया ना गिर जाएगा। ओके लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, नहीं तो नाटक करेगा ये। इधर भी श्रीराम फाइनेंस में भी दिस एनोमली, ओके देयर इज नो प्रॉपर सपोर्ट फॉर्मेशन इधर। ओके तो गिरना ही है इसको, क्या हो रहा भाई। मैं इसको देखो, इधर जो सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ था उसको ब्रेक नहीं किया है। ओके फिर भी दिस इज कॉल्ड अ ब्रेक इन साइड लेवल। ओके ये जो लेवल, ये जो हाई है, दिस इज मतलब थ्री मिनट्स में हमें लोअर लो स्ट्रक्चर ना ब्रेक इन साइड से करना। इधर सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट हियर सपोर्ट, ये जो हाई का लेवल है दैट इज अ ब्रेक इन साइड लेवल। ओके अभी नहीं है, नीचे गिरना ही है। फाइव मिनट्स में जो क्लोजिंग दिया था ये कैंडल है ना, अभी देखो इधर वॉल्यूम बढ़ा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है। नीचे क्लोज किया, नीचे क्लोज कर दिया, इधर बाहर जाने का कोशिश किया, वॉल्यूम नहीं है। अभी क्या है एक लोअर लो बनना चाहिए, लोअर लो बना है क्या 74। ओके लोअर लो बना है भाई, ये लो के नीचे से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं 75 से। मतलब इस सिर्फ एक क्वांटिटी को मैं ट्रेड किया हूँ, ये 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। नहीं है, ये प्रॉफिट में आएगा, देखेंगे लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। 50 रुपीज़ सिर्फ टेस्ट खेलने के लिए कर रहा था मैंने, ये हायर ही नहीं करना भाई। 79.2, 79.15 ओ हायर कर दिया, फिर भी वॉल्यूम नहीं है। दिस इज ऑल्सो एनोमली, ओके देर इज नो वॉल्यूम बट कैंडल बड़ा बन रहा है। ओके शुड बी फॉलोइंग, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इफ टू मेक फॉलो अप कैंडल, रेड कैंडल आना चाहिए अभी। Let's see. Right. इसमें एक चीज मॉनिटरिंग का पार्ट है, मॉनिटरिंग का हिस्सा है। देखो इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक में कल का सारा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, ये शॉर्ट है। अगर इसको ऊपर जाना है ना, मतलब हाइपोथेसिस बाई है, शॉर्ट बना है, अगर हाइपोथेसिस बाई है तो मैं ये कैंडल के हाई के ऊपर बाई जा सकता हूँ। देखो इसके ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, इसका मतलब है मार्केट इज बेरिश, मतलब मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग द शॉर्ट्स। ओके वो कारण से मैं इसको मतलब होल्ड कर रहा हूँ, मतलब लो टूटना चाहिए, नहीं तो लो टूट के मतलब ऊपर जा सकता था। इंडसइंड बैंक इज द मतलब इंडिकेटर मुझे आज ये बता रहा है, ये 4220 तक आना चाहिए इसका टारगेट। इधर किधर भी है, नीचे इधर किधर भी है, देखेंगे। हाँ ये नीचे टूटना चाहिए, देयर इज एनोमली हियर, कैंडल अनोमली है, ये नीचे ही आना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, मार्केट तो नीचे गिरना चाहिए। ओके लेट्स सी, वो इंडिकेटर मैं बताया हूँ, इंडिकेटर हमें कोई इंडिकेटर्स यूज नहीं करना है। ये चीज़ को ये कैंडल देखना, देखो इसने ऊपर को सब विद वॉल्यूम नीचे टूटा ना ये लेवल पे, इसका मतलब है अभी लो टूटने वाला है। यू हैव टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग्स ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। सी जो कैंडल ने शॉर्ट बनाया, ये कैंडल है ना, इसका हाई लो को मार करो, इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, मतलब वही बता रहा है। इधर देखो इधर ऊपर जाने का कोशिश किया, ये कैंडल में विद वॉल्यूम नीचे टूट गया ना, ये लेवल को मार्क किया हूँ भाई, ये सारे एंट्री का लेवल्स होता है। ओके अब ये कन्फर्म कर दिया है नीचे गिरेगा बोल के, ये दिस इज द क्या है एंट्री पॉइंट है, इधर से ये लो टूट के नीचे गिरेगा ना, दिस आर ऑल द एंट्री पॉइंट्स। ओके हे माया, मैंने में क्या हुआ भाई, मैं दो क्वांटिटी को लेके दो क्वांटिटी को लेके 20 रुपीस ऐसे छोड़ दिया भाई, देखेंगे क्या होता है उसमें। निफ्टी कोई फॉलो अप कैंडल लो टूट के नीचे गिरा था ना, आराम से नीचे गिर जाएगा मार्केट, लेट लेट द मार्केट फॉल बस, कम ऑन।